रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल। 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट्स को एक्सचेंज किया जा सकेगा। ये निर्णय क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। लोगों तक अच्छी क्वालिटी वाले बैंक नोट पहुंच सके, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई। गौरतलब है कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 241 के तहत साल 2016 में 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेट किया गया था। आपको याद होगा कि पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट की नोटबंदी की गई थी। 2000 के नोटों को करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए लाया गया था। साल 2018 से 19 में 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग को बंद करने का फैसला लिया गया। ऐसे में कई सारे सवाल लोगों को परेशान करने लगे हैं। आपके हर जरूरी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। बता दें कि 2000 रुपए के नोटों की लीगल टेंडर स्थिति बरकरार रहेगी, यानी आपके पास जो 2000 रुपए के नोट हैं, उनकी मान्यता बनी रहेगी। आप लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट्स का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। हालांकि आरबीआई द्वारा इन नोट्स को 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करने या एक्सचेंज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप अपने पास मौजूदा 2000 रुपए के नोट्स को बैंक में जमा भी कर सकते हैं और इन्हें एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तमाम झंझट झेलने पड़ेंगे, तो बता दें कि ऐसा नहीं है। आप केवाईसी के मौजूदा मानदंडों और अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन किसी भी तरह के प्रतिबंधों के बिना ही बैंक में नोट जमा कर सकते हैं। हालांकि नोट एक्सचेंज करने की लिमिट होगी। एक समय में 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए 20,000 रुपए तक की सीमा तय की गई है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए भी नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए रोजाना पर अकाउंट होल्डर 4,000 रुपए की सीमा सुनिश्चित की गई है। आरबीआई के मुताबिक नॉन अकाउंट होल्डर यानी गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई फीस या रकम नहीं चुकानी होगी। अगर कोई बैंक 2000 रुपए के नोट को बदलने से या जमा करने से मना करता है, तो आपको इसकी शिकायत करने के लिए सबसे पहले संबंधित बैंक से ही संपर्क करना होगा। और अगर बैंक शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देता है या आपको लगता है कि आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई की स्कीम RBIOS के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको cms.rbi.org.in पर जाना होगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।